नमस्ते, मैं हूं परमेश्वर और आप देखना शुरू कर चुके हैं द स्काई। सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि यह वीडियो खास करके आईटीआई कर रहे उन विद्यार्थियों के लिए है अथवा जो आईटीआई कर लिए हैं उनके लिए है, जो एक्ट अप्रेंटिसशिप या अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं उनके लिए है। आज मैं एक प्रयागराज की तरफ से अप्रेंटिसशिप की जानकारी देने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको टाइप करना है RRC PRYJ, एंटर कर दिए। एंटर करने के बाद से ये RRC प्रयागराज की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जो खुल करके कुछ इस तरह से आपके सामने आएगा। ये एक्ट अप्रेंटिस का स्लॉट है, यहाँ पे नोटिफिकेशंस है। ये एक्ट अप्रेंटिस जोनल नोटिफिकेशन संख्या 1/2021 के अंतर्गत शिक्षितों प्रशिक्षण हेतु आवंटित किए गए स्लॉट संबंध में नोटिस डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें। सबसे पहले मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये ऑथेंटिकेटेड है और ये ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके आपको बताया जा रहा है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, मैं पहले पेज पे आ जाता हूँ और यहाँ पे एक्ट अप्रेंटिस स्लॉट नोटिफिकेशन डाउनलोड करना, यहाँ पे डाउनलोड करना होता है। थोड़ी सी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे दोबारा मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, चूँकि ऑलरेडी मैं इसके पहले डाउनलोड कर लिया था। तो ये अभी मेरे पास डाउनलोड हो रहा है, दोबारा से डाउनलोड हो करके खुल चुका है मेरे पास। और रेलवे रिक्वायरमेंट सेल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, नवाब यूसुफ रोड, वाल्मीकि चौराहा, सिविल लाइन्स, प्रयागराज। एंगेजमेंट एक्ट अप्रेंटिसशिप जोनल नोटिफिकेशन संख्या RRCN RC02/2021, डेटेड 12/10/2021, ओपनिंग डेट एंड टाइम 2/11/2021, क्लोजिंग डेट 1/12/2021, 23:59, मतलब 12 बजे रात्रि तक है। इम्पोर्टेंट कुछ सूचनाएं यहाँ पे दी गई है। प्लीज़ रीड द ऑल इंस्ट्रक्शन इन दिस नोटिफिकेशन केयरफुली एंड इंश्योर डैट यू आर एलिजिबल टू अप्लाई बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फ्रॉम ऑनलाइन। डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन आर अवेलेबल ऑन दी NCR वेबसाइट https://RRCPRYJ.org। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ये सभी सूचनाएं दी गई है, ताकि सभी आप अपनी योग्यता के अनुसार सभी सूचनाएं पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप इसको अप्लाई कीजिए। सभी सूचनाएं दी गई हैं। सबसे पहले मैं बात कर लूँ, ये बताया जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट होंगे ये सभी सूचनाएं आप का नाम है कि ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे। आई करें इनकेस ऑफ डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट टू पोस्ट कैटेगरीज इन लेवल 1, 1800 या 56,900, कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस, CCAA, ट्रेनिंग इन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट एंड प्रोसेसिंग, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NSC विल बी गिवन प्रिफ्रेंस इन फिलिंग ऑफ 20% वैकेंसीज ऑन क्वालिफाइंग द रिक्वायरमेंट नॉर्मल्स या नोटिफाई RRC या RRB। मतलब आगे कह रहे हैं कि इन फ्यूचर में अगर 20% का वेटेज लेकर के रेलवे में जॉब करते हैं तो उनका जो लेवल 1 में जो ग्रेड पे होगा वो 1800 से लेकर 56 तक होगा। सॉरी, ग्रेड पे नहीं है ये, माफ़ कीजिएगा, हाँ ग्रेड पे ही है शायद। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, ये सब सूचनाएं दी गई हैं, एलिजिबिलिटी दी गई है कि वे कैंडिडेट जो अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनका एज 15 से 24 वर्ष के बीच होना चाहिए। SC ST OBC के लिए कितना छूट रखा गया है, तो SC ST के लिए 5 ईयर और OBC के लिए 3 ईयर, और जो दिव्यांग हैं, हैंडीकैप्ड हैं, PWD के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए 10 साल का छूट रखा गया है। एक्स सर्विसमैन अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेड अप टू एडिशनल 10 ईयर फॉर एक्स सर्विसमैन टू एक्सटेंड ऑफ सर्विस। ऐसा रेयर केस में आता है कि कोई एक्स सर्विसमैन वाले हैं जो इसमें आते हैं। और ये बहुत सारी सूचनाएं दी गई हैं, यहाँ पे एज लिमिट भी रखा गया है, किससे किन के बीच होना चाहिए, आप जाकर के इसको अच्छे से देख सकते हैं। ऐसे मैं बता दिया हूँ कि नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है, थोड़ी सी हमें मिस हुई थी, उसके लिए सॉरी।
एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है कि द एप्लीकेंट शुड हैव ऑलरेडी पास्ड द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस नोटिफिकेशन 12/10/2021 एज अंडर, मतलब उनका क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मोस्ट हैव पास्ड SSC matriculation 10th class examination or equivalent under 10+2 examination system with minimum 50% marks। और क्या समझाएं, एक लाइन माफ़ कीजिएगा, एक लाइन में हम बोलें कि वे कैंडिडेट 2-10वीं पास हों और ITI सर्टिफिकेट रखते हों, NCBT या SCBT दोनों, और ट्रेड हो सकता है, ट्रेड है आपका फिटर वेल्डर आर्मेचर वाइंडर मशीनिस्ट कारपेंटर इलेक्ट्रीशियन पेंटर मशीनिस्ट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम एंड मेंटेनेंस वायरमैन। और यहाँ पे कुछ शॉर्ट सूचनाएँ दी गई हैं, ट्रेड वाइड स्लॉट दिया गया है, यहाँ पे नोटिस दिया गया, आप एक एक करके पढ़ लेंगे, उसके बाद भी मैं तो नहीं बता पा रहा हूँ, कुछ इसमें आपको दिक्कत होती है। तो पेमेंट रखा गया है 100 रुपये, ऑनलाइन फॉर्म ही अप्लाई करना है, कुछ भी दिक्कत हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब देने के लिए, रिप्लाई करने के लिए। आपको सर्टिफिकेट इन PDF फॉर्मेट फाइल साइज 50 KB to 200 KB, आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड करना है और वो भी PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, 50 KB से लेकर 200 KB तक। खैर इसको छोड़ दीजिए, साइबर कैफे से आप जब फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो साइबर कैफे वाले निश्चित रूप से इसको पढ़े होंगे, समझे होंगे, पढ़ समझ के अपना उसका फॉर्म अप्लाई कर देंगे। अगर आप सेल्फ फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आप अपने से खुद कर सकते हैं। और जो सूचनाएं दी गई हैं, ट्रेनिंग 1961 एक्ट अप्रेंटिस के अनुसार आपसे कराया जाएगा, पेमेंट भी उसी के अनुसार दिया जाएगा जो गवर्नमेंट तय करेगी। उसके बाद से लीगल मैटर्स और भी सब बता दिया गया है। और यहाँ पे प्रयागराज डिवीजन के लिए टेक्निकल फिटर टेक्निकल वेल्डर टेक्निकल कारपेंटर टेक्निकल या सॉरी टेक्नीशियन है माफ़ कीजिएगा टेक्नीशियन पेंटर ये सब ट्रेड वाइज यहाँ पे रखा गया है। झांसी में भी है वर्कशॉप झांसी में भी है, आगरा में भी है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये SC ST सर्टिफिकेट है, ठीक है, और ये OBC सर्टिफिकेट है, इस फॉर्मेट में चाहिए वहाँ पे, ठीक है। ये डिक्लेरेशन फॉर्मेट है, ये एड्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल एंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो हैंडीकैप्ट है उनके लिए है। सब सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मांगा गया है कि कुछ इस तरह से होना चाहिए, आप इसी तरह से लाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त सबमिट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, इसके बावजूद भी अगर मैं अपनी तरफ से कुछ कमियां रखता हूं आप कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए। आने वाले कल में, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज़।